ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। एक व्यक्ति नूं हथियार दा लाइसेंस लैण दे लई कई प्रकार दीआं शर्तां चों गुजरना पैंदा है, जिस तों बाद ही कानूनी रूप दे विच व्यक्ति हथियार रख सकदा है। असली दा लाइसेंस लैण दे लई कित्थे पहुंच करनी पैंदी है अते की दस्तावेज लोड़ींदे देने पैंदे ने, तुहानूं विस्थार दे नाल दसदे हां। सब तों पहलां डीसी दफ्तर अर्जी देनी हुंदी है। डीसी दफ्तर तो अर्जी एसएसपी दफ्तर भेजी जाती है। एसएसपी अर्जी डीएसपी नु मार्क करता है। डीएसपी बिनेकार दे इलाके नाल संबंधित एसएचओ नु अर्जी भेजता है। एसएचओ वेरिफिकेशन करके मुड़ अर्जी नु एसएसपी नु भेज देता है। एसएसपी वालों फाइल डीसी दफ्तर भेजी जाती है। पुलिस व्यक्ति के घर जाके जांच भी करती है। बिनेकार के बारे पूरी जानकारी इकट्ठी की जाती है। एसएसपी की फाइल बाद लाइसेंस देने बारे डीसी विचार चर्चा करता है। लाइसेंस पहला 3 साल दे लई मिलदा सी, हुण 5 साल दे लई मिलदा है। प्राइमरी लाइसेंस जिला पद्धर दे लई दित्ता जांदा है। प्राइमरी लाइसेंस च वाधा डीसी दी सिफारिश ते हो सकदा है। वाधा होण बाद सूबा पद्धरी या फिर कौमी पद्धर दा लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी करदा है। जेकर ए सब प्रक्रिया पूरी होण तो बाद लाइसेंस मिल भी जावे तां वी हथियार लेना सौखा नहीं है। हथियारां दी दुकान दा मालक भी हथियार लैण वाले बंदे नूं वेरीफाई करदा है। सब तो पहला हथियार लैण दा कारण बिनेकार नूं दसना पैंदा है। फाइल दे नाल आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म दा सबूत भी देना हुंदा है। रिहायश का प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक की कापी भी देनी लाजमी है। आमदन का सबूत, हथियारों की दुर्वरतों न करने के लिए हल्फिया बयान देना पैंदा है। घर की रजिस्ट्री और जमीन की फर्द लगानी भी लाजमी की हुई है। पंजाब च एक व्यक्ति दे नां एक लाइसेंस ते दो हथियार ही चढ़ाए जा सकदे ने। इस तो बिना पंजाब दे विच कई थावां ते लाइसेंस लैण दे लई 10 पौधे भी लगाउणे पैंदे ने, जिन्हां दीआं फोटोआं फाइल दे नाल लगाईआं जांदीआं ने। इस तो बिना कई थावां ते बिनेकार नूं डोप टेस्ट करवाउणा भी लाजमी कीता गया है।